हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरा चैनल पे। मेरा चैनल का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। मैं लोटॉन फिल लेके आया हूँ। एक 15 इंच का टीवी है, ये पेंटागॉन कंपनी का है, और ये 15 इंच का टीवी है। इस टीवी का प्रॉब्लम देखूंगा, सॉल्यूशन करके ही बताऊंगा। तब तक हमारा वीडियो लास्ट तक देखते रहिए, और मेरा चैनल पे जो नया दोस्त है उसको कहूँगा मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया नया वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, इस टीवी का प्रॉब्लम क्या है वो पहले चेक करेंगे। जैसे मैं टीवी को पावर देता हूँ, पावर देने के बाद हमारा पावर इंडिकेटर ऑन हो जाता है। ऑन होने के बाद जो इसका जो रिमोट है, रिमोट से दबा के मैं स्टैंड बाई से रिलीज कर देता हूँ। पावर इंडिकेटर बंद हो गया है, और बंद होने के बाद पिक्चर कैसे आ रहा है देखिए। एक सिंगल लाइन आ रहा है जो हमारा हॉरिजेंटल लाइन बोला जाता है, जो वर्टिकल सेक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम होने से ये वाला प्रॉब्लम होता है। ठीक है दोस्तों, मैं पिक्चर को देख कर रखा था, इसीलिए पिक्चर अंदर में दिख सकते हैं, और जो फुल पिक्चर होना चाहिए वो फुल पिक्चर हमारा नहीं आ रहा है, और अंदर में साउंड ठीक चल रहा है। मतलब दोस्तों, आज का जो प्रॉब्लम होने वाला है, जो वीडियो होने वाला है, वो वीडियो हमारा हॉरिजेंटल लाइन वर्टिकल सेक्शन फॉल्ट का ये हो सकता है, हो रहा है। और इसका प्रॉब्लम कहाँ से होता है और इसको सॉल्यूशन कैसे निकलता है वो देखने के लिए पहले वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, तो पता चल जाएगा कैसे मैं रिपेयर किया और इसका सॉल्यूशन कैसे निकाला। ठीक है दोस्तों, मैं टीवी को पहले खोल लेता हूँ। दोस्तों मैंने टीवी को खोल चुका हूँ। ये रहा हमारा 15 इंच का ट्यूब, इसका योक कॉइल, ये इसका बेस पीसीबी, और ये रहा मेन पीसीबी। दोस्तों ये पेंटागॉन एक लोकल कंपनी है, ये लोकल कंपनी का पीसीबी है, और इसको रिपेयर करेंगे क्योंकि ये वर्टिकल सेक्शन का प्रॉब्लम दे रहा है, जो हमारा हॉरिजेंटल लाइन आ रहा है, और इसको देखेंगे कहाँ से प्रॉब्लम हो रहा है। पहले पीसीबी को पलट लेंगे, पलटने के बाद देखते हैं जो हमारा सेक्शन कहाँ है। जो हमारा वर्टिकल सेक्शन दोस्तों होता है, वो हमारा वर्टिकल आईसी होता है। ये हमारा वर्टिकल आईसी देख सकते हैं, और वर्टिकल आईसी कितना नंबर का दिया गया है इस पर देखेंगे। पहले चेक कर लेते हैं, इसका ऊपर स्टिकर लगाया हुआ है, दिख नहीं रहा है। ये हमारा 7840 का हो सकता है, 78040 का। और इसका नंबर देखने के बाद इसका चेक करेंगे, इसका वोल्टेज रिलेटेड, जो हमारा वर्टिकल सेक्शन क्यों काम नहीं कर रहा है। जैसे मैं पहले देखूंगा, इसको पहले पावर दे देते हैं, और पावर देने के बाद रिमोट से इसको स्टैंड बाई से रिलीज कर देंगे। तो देखिए पावर इंडिकेटर जल रहा है, और जलने के बाद इसको रिलीज कर देते हैं। पावर इंडिकेटर बंद हो गया है, और बंद होने के बाद इसका सिस्टम चेक करेंगे। जैसे हमारा एक हॉरिजेंटल लाइन आ रहा था और वर्टिकल सेक्शन प्रॉब्लम था, वो वाला सेक्शन देखते हैं। देखिए हमारा हॉरिजेंटल लाइन आ रहा है, और इसको चेक करेंगे। जैसे वर्टिकल सेक्शन का पहले वोल्टेज चेक करते हैं। जैसे हमारा जो पावर सेक्शन होता है, पावर सेक्शन के आउटपुट पे इस पे जो वोल्टेज दिया गया है, कुछ डिफरेंस वोल्टेज दिया गया है। जैसे तो हमारा सिस्टम पे जो ESD का आउटपुट जो वोल्टेज होता है, वो वोल्टेज पहले है, ये देखिए इस वाला वोल्टेज 120 बता रहा है, और दूसरा जो हमारा 26 होता था, वो वाला वोल्टेज हमारा चौपर से नहीं दिया गया है। उस पर उसके बाद जो हमारा 12 वोल्ट जो रेगुलेटर सप्लाई दिया जाता था, वो वाला वोल्टेज इस पे है, ये देखिए इस पॉइंट पे हमारा 14 वोल्ट दिख रहा है, और एक वोल्टेज दिया गया है साउंड के लिए, जो हमारा 17 वोल्ट दिख रहा है। मतलब पावर सेक्शन से हमारा 3 वोल्टेज निकल रहा है। जैसे एक वोल्टेज हमारा हो गया है ESD का, दूसरा हो गया है हमारा रेगुलेटर का, तीसरा हो गया हमारा साउंड का। मतलब वर्टिकल सेक्शन का वोल्टेज कहाँ से दिया गया है वो देखना है। पहले तो देखिए ये जो 14 वोल्ट है, एक रेजिस्टेंस के थ्रू, दूसरा रेजिस्टेंस के, एक डायोड के थ्रू इस पे हमारा कनेक्शन दिया गया है B+ पे, जो हमारा वर्टिकल का सप्लाई होता है, लेकिन ये हमारा उल्टा डायोड लगाया हुआ है। मतलब दोस्तों क्या हुआ, इस पे हमारा वोल्टेज नहीं आएगा। इस पे तो वोल्टेज पहुँचेगा, जिस पे इतना वोल्टेज पहुँचेगा, इस पे 8 वोल्ट पहुँच रहा है रेजिस्टेंस थ्रू था, और इस पे नहीं वोल्टेज पहुँचेगा क्योंकि इस पे उल्टा डायोड लगाया हुआ है। और इसका वोल्टेज कहाँ से आ रहा है, हमारा ESD दे रहा है। लेकिन दोस्तों ESD से जो ESD होता है, जैसे वीडियो कौन सा सैमसंग LG जो होता है, ESD से सप्लाई दिया जाता है वर्टिकल को, लेकिन उस पे दिया जाता है नेगेटिव और पॉजिटिव वोल्टेज। इस पे एक ही वोल्टेज दिया गया है जो 27 वोल्ट 26 वोल्ट होता है, जो इस पे आएगा, और लोकल PCB जैसा ही ये वर्टिकल IC काम करेगा। कैसे काम करेगा ये देखिए, ये जो ESD का लास्ट वाला जो पिन है, इसके थ्रू एक रेजिस्टेंस दिया गया है, उसके बाद एक डायोड दिया गया है।
डायोड के थ्रू एक रेजिस्टेंट भाया करके ये देखिए इस वाला पॉइंट पे आ गया है वर्टिकल सप्लाई, देख सकते हैं वर्टिकल सेक्शन। मतलब दोस्तों क्या हुआ, हमारा ईएसटी सेक्शन से ही वोल्टेज नहीं पहुंच रहा है, लेकिन हमारा ईएसटी रनिंग है, क्योंकि ईएसटी रनिंग होता हुआ है इसीलिए तो लाइन आ रहा है, लाइट आ रहा है। उसके लिए मैंने जब चेक किया तो ये वाला पोजीशन पे हमारा कुछ भी वोल्टेज नहीं बता रहा है, वो 1 वोल्ट तक बता रहा है। लेकिन दोस्तों ये वोल्टेज हमारा नहीं होना चाहिए, इस पे हमारा वोल्टेज होना चाहिए था 27 वोल्ट तक। 27 वोल्ट तक जब तक नहीं आएगा ये वर्टिकल आईसी काम नहीं करेगा। क्यों वोल्टेज नहीं आ रहा है उसके पहले चेक कर लीजिए। जैसे ये वाला जो हमारा पोजीशन पॉइंट है, इस पॉइंट के थ्रू एक रेजिस्टर लगाया हुआ है और उसके बाद एक डायोड देख के हमारा वोल्टेज बनाया गया है, लेकिन ये रेजिस्टेंस जब काट जाएगा तो वोल्टेज नहीं आएगा। तो लेकिन ये रेजिस्टेंस काटा क्यों है वो भी पता करना है। उसके बाद ये रेजिस्टेंस लगा के देखना है, क्योंकि ये लगा के देखना है जलता है कि नहीं, हीट होता है कि नहीं, और हमारा वर्टिकल सेक्शन का प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। इसीलिए मैंने एक रेजिस्टेंस निकाला, ये पॉइंट ओम्स का रेजिस्टेंस है दोस्तों, ये पॉइंट ओम्स का रेजिस्टेंस इस पर कनेक्ट करेंगे, देखेंगे ये रेजिस्टेंस जलता है कि नहीं। जल जाएगा तो हमारा शॉर्टेज बताएगा। उसके बाद भी दोस्तों उससे पहले क्या करना है, इसको गाउन से के साथ ओम्स पे रेंज पे माप के माप लेना है, क्योंकि ये वर्टिकल आईसी शॉर्टेज रहेगा तो फिर से उड़ जाएगा। लेकिन दोस्तों मैंने जब चेक किया ये गाउन के साथ शॉर्टेज नहीं बता रहा है। मतलब दोस्तों ये डायोड शॉर्ट हो सकता है, लेकिन डायोड को भी मैंने चेक किया फिर भी ये शॉर्टेज नहीं बता रहा है। इससे लिए क्या करना है, ये जो ईएसटी के साथ जो पॉइंट है, पॉइंट के साथ जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को एक बार लगा के देखेंगे। लगाने के बाद ही पता चलेगा हमारा कुछ प्रॉब्लम आदर्श क्या है। इसीलिए दोस्तों ये रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देते हैं नया वाला एक रेजिस्टेंस। दोस्तों मैंने क्या किया, एक रेजिस्टेंस लिया ओम्स वाला रेजिस्टेंस, इसको कनेक्ट कर दिया 2.2 ओम्स का क्वार्टर वाट का है, और इस पर क्या करेंगे पहले टीवी को पावर दे देंगे। पावर दिया और पावर देने के बाद इसको स्टैंड बाय से रिलीज करना है। इस पर देखते रहिए, मैं स्टैंड बाय से रिलीज करता हूँ धुआं निकलता है कि नहीं। मैं स्टैंड बाय से रिलीज किया, इंडिकेटर नहीं बंद हो गया है, और देखिए ये हमारा जो सिस्टम था वो सिस्टम हमारा स्टैंड हो गया है। देखिए रेजिस्टेंस से धुआं नहीं निकल रहा है, और वोल्टेज चेक करेंगे। जैसे इसका वोल्टेज इस पर मिलेगा डायोड के आउटसाइड पे, ये देखिए 28 वोल्ट स्टैंड हो गया है। उसके बाद देखेंगे रेजिस्टेंस के बाद चला जाएंगे इस पर भी देखेंगे 23 बता रहा है, 23 बता रहा है, और उसके बाद चले जाएंगे डायरेक्ट हमारा इस वर्टिकल आईसी पे, वर्टिकल आईसी पे चले जाएंगे। इस पर चले गया जो पहला नंबर पिन है उस पर बता रहा है 23.4 वोल्ट, और जो दूसरा वोल्टेज होता है ये जो हमारा पॉइंट आया है इसके डायोड के थ्रू इस पे पॉइंट पे वोल्टेज दिया गया है, ये वोल्टेज को चेक करेंगे 23 वोल्ट। मतलब हमारा वर्टिकल सेक्शन का वोल्टेज पहुंच गया है, और मिडिल वाला पॉइंट तो हमारा ग्राउंड है, और ये वोल्टेज पहुंचने के बाद हमारे सिस्टम पे पिक्चर सही हुआ कि नहीं वो देखना है। जो हमारा रेजिस्टेंस नहीं जला, वोल्टेज सही हो गया है, मतलब हमारा पिक्चर भी आना चाहिए। दोस्तों देखिए हमारा पिक्चर आ गया है। मतलब दोस्तों क्या हुआ, हमारा सिस्टम पे जो वर्टिकल आईसी का सप्लाई था वो वर्टिकल का सप्लाई हमारा आउट हो गया था, और वर्टिकल सप्लाई जब तक नहीं आएगा वोल्टेज नहीं आएगा, वर्टिकल आईसी काम नहीं करेगा। तो वोल्टेज कहाँ से दिया गया है, हमारा ईएसटी से दिया गया है, और ईएसटी से जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो हमारा एक रेजिस्टेंस के थ्रू और एक डायोड के थ्रू दिया जाता है। पहले रेजिस्टेंस को हमारा फिजिबल रेजिस्टेंस दिया जाता है, उसके बाद डायोड दिया जाता है, क्योंकि कुछ भी शॉर्टेज होगा तो रेजिस्टेंस उड़ जाएगा। लेकिन दोस्तों हमारा पूरा सिस्टम को मैंने चेक किया तो वर्टिकल आईसी भी सही था, हमारा ये डायोड भी सही था, वोल्टेज डायोड भी सही था, लेकिन ये रेजिस्टेंस काट गया था। मैंने जब चेक किया तो रेजिस्टेंस हमारा काट गया था, तो एक फ्यूजिबल रेजिस्टेंस हमारा क्वार्टर वाट का एक रेजिस्टेंस मैंने इस पर लगा के देखा, तो लगा के देखने के बाद हमारा वोल्टेज सही हो गया है। मतलब दोस्तों ये रेजिस्टेंस चलते चलते इसका वैल्यू घट के ये खराब हो गया था, लेकिन इसको रेजिस्टेंस नया वाला लगाने के बाद हमारा सिस्टम पे जो पिक्चर होना चाहिए वो पिक्चर सही स्टैंड हो गया है, और हमारा वर्टिकल प्रॉब्लम था, जो वर्टिकल सेक्शन का प्रॉब्लम था और हॉरिजॉन्टल लाइन का प्रॉब्लम था, हॉरिजॉन्टल लाइन आ रहा था, वो वाला प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया है। देखिए हमारा पूरा पिक्चर आ गया है,
मतलब दोस्तों हमारा आज का जो प्रॉब्लम था पूरा सॉल्व हो गया है। इसी तरह का नया नया वीडियो मिलने के लिए मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया नया वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक दोस्तों गुड बाय।